हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नैना सावला। सो ऑफन लोगों का एक डिमांड रहता है कि हमें लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए, हमें वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल समर सीज़न है तो हमें बहुत से क्लाइमेट के हिसाब से चले उस टाइप का मेकअप चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और हम समझने वाले हैं बहुत डिटेल में मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। जैसे कि अगर हम बात करें मेकअप के बारे में, तो मेकअप एक स्टडी है, एक आर्ट है, एक विजन है और उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो तो इसके लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि वाटरप्रूफ मेकअप, वाटरप्रूफ का मीनिंग क्या है। वाटरप्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट मीन्स, यहाँ पर हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप सैलून में कलर वगैरह कर रहे हो तो आप हाथों में ग्लोव्स पहनोगे, राइट? और ग्लोव्स पहन के आप काम करोगे, जब आप ग्लोव्स उतारोगे आपके हाथ आपके स्किन पे बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ नहीं रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को या इस चीज़ को हम वाटरप्रूफ के साथ रिलेट करेंगे कि जैसे मेकअप हो जाने के बाद अगर उसको प्रॉपर फुल ऑन पानी के अंदर अगर स्विम भी किया जाए तो भी ना उतरे, उसे हम कहेंगे वाटरप्रूफ मेकअप। और अगर मेकअप होने के बाद, जैसे मेकअप के ऊपर अगर हम ऊपर से पानी डाल रहे और वो पानी निकल जा रहा है और वो मेकअप को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता है, तो उसे कहेंगे हम वाटर रेजिस्टेंट। तो जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग मेकअप हमने उसके ऊपर पानी डाला है और पानी डालने के बाद बिल्कुल भी मेकअप हिला नहीं है, तो वी कैन से कि ये हाईली वाटरप्रूफ मेकअप है, राइट? अभी दोस्तों, ये देखना तो आसान है बट इसमें लॉजिक क्या है या इसमें स्टडी क्या है। तो होता ऐसे है कि जो भी हम फाउंडेशंस यूज़ करते हैं या कंसीलर, चाहे जो प्रोडक्ट हम पूरे चेहरे पे एज ए बेस लगाते हैं, तो वो कुछ अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि कुछ फाउंडेशंस या कंसीलर्स रहते हैं जो वैक्स बेस्ड रहते हैं, कुछ रहते हैं जो वाटर बेस्ड रहते हैं, कुछ रहते हैं जो सिलिकॉन बेस्ड रहते हैं और कुछ अल्कोहल बेस्ड। तो वाटर बेस्ड अगर फाउंडेशन या प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो वाटर वाटर को निकालेगा। आई मीन, जब वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है यहाँ पे और उसके ऊपर अगर पानी आ रहा है तो निकल जाएगा मेकअप, इट विल नॉट बी वेरी मच वाटर प्रूफ। अगर हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल क्राइलॉन डर्मा, ये आप सब ने नोटिस किया रहेगा कि ये एक क्रीमी काइंड ऑफ केक फॉर्म में मिलता है। तो इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को अगर हम स्टडी करें तो इट इज़ अ वैक्स बेस्ड, राइट? एंड साथ ही उसमें रहते हैं विटामिन ऑयल्स एंड ऐसे इंग्रेडिएंट्स के जो हम बोल सकते हैं कि वैक्स एंड ऑयल का एक साथ में प्रोडक्ट है, राइट? अभी अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी टाइप का अगर ऑयल या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट लगाया है कि जो थोड़ा सा ग्रीसी या चिपचिपन है अगर हिंदी में हम बात करें तो, और उसके ऊपर हम बहुत सारा अगर वाटर भी डाल रहे हैं तो आपका वाटर वो फिसल जाएगा या निकल जाएगा, उतर जाएगा और वो बिल्कुल भी आपके प्रोडक्ट को नहीं ख़राब करेगा। यहाँ पे बेसिक लॉजिक ये यूज़ हो रहा है कि ऑयल एंड वाटर साथ में मिक्स नहीं होंगे। सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स, वैक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स, इनमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता है। तो जो हमने वीडियो में देखा कि मेकअप होने के बाद उस पर पानी डाला जा रहा है और मेकअप को कुछ भी नहीं होता है, उसमें लॉजिक कुछ इस तरह से होता है। ऑल्सो देर आर अल्कोहल बेस्ड फाउंडेशंस जो भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और वाटर प्रूफ रहते हैं। सो वाटर प्रूफ मेकअप को हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में कि वो येस वाटर रेजिस्टेंट भी होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। एग्जैक्टली यू कैन यूज़ दिस फॉर समर सीजन या एनी वेयर जब आपको ऐसा है कि लंबे आवर्स तक मेकअप को टिकाना है। अब ऑफन ये प्रॉब्लम होता है हमारे साथ कि वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ, इन दो चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, राइट? तो अब हम ये समझेंगे स्वेट, स्वेट यानी कि पसीना। तो पसीना कब होता है कि जब अगर हम ब्राइड्स के बारे में बात करें तो ब्राइड्स बहुत नर्वस रहते हैं, बहुत एंग्जाइटी रहता है, या कभी अगर टेम्परेचर, जैसे कि वो धूप में से बाहर से अंदर आए या पूरा रेडी होने के बाद प्रॉपर धूप में वो फोटोशूट करने के लिए आउटडोर गए या एक्स वाई जेड, तो इन रीजंस की वजह से, या से फॉर एग्जांपल अगर ब्राइड्स के साथ साथ हम एक्स्ट्रास की बात करें तो लाइक लॉट ऑफ डांसिंग एट द वेडिंग ओकेशंस, भारत में डांस कर रहे हैं, कोई फंक्शंस में डांस कर रहे हैं, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि बॉडी को एक्सर्ट होता है, तो इन रीजंस की वजह से आता है पसीना।
सो इसकी वजह से जो हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है और बॉडी का जो हीट है वो बाहर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होता है। इसकी वजह से होता है इवोपरेशन यानी कि पसीना। हमारे स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में से होते हुए पसीना बाहर आता है और स्किन के जो अपर सरफेस पे हम देखते हैं कि पोर्स यानी कि जो छिद्र रहते हैं उनके थ्रू पसीना बाहर आता है। ये जो पसीना है इसमें 90% वाटर होता है और सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जैसे कि यूरिया, अमोनिया और इस तरह के सॉल्ट्स वगैरह रहते हैं। अगर हम पीएच बैलेंस के बारे में बात करें तो ये सलाइन वाटर होने की वजह से नेचर वाइज ये अल्कलाइन होता है। हमने सुना होगा कि अगर कोई कॉपर यानी कि तांबे का अगर कोई कंटेनर है तो उसके अंदर हम बटर मिल्क यानी कि छाछ नहीं प्रिजर्व करेंगे, बिकॉज इनमें होगा क्या कि कॉपर और बटर मिल्क यानी कि छाछ, छाछ के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड जब कॉपर यानी कि मेटल के साथ तांबे के साथ आता है तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन की वजह से वो छाछ जो है वो पीने लायक नहीं बचेगा। ठीक यही होता है आपके मेकअप में पसीने के साथ। हमारे स्किन में सर्टेन ऑयल्स हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है फाउंडेशन है, उन फाउंडेशन में भी सर्टेन जो इंग्रेडिएंट्स है और जो पसीना है ये अल्कलाइन है, तो इन सब चीज़ों में होता है एक केमिकल रिएक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बेस हमारा है वो बेस कभी कभी हट जाता है, फट जाता है या हमें ऐसे लगता है कि उस एरिया से वो निकल गया है। सो पसीना जो है ये टोटली एक नेचुरल थिंग है कि जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम होता है, किसी को बोलते हैं ना कि तुरंत होता है तो किसी को काफ़ी टाइम के बाद होता है। तो वेल यहाँ पे पसीने से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है हमारे मेकअप को तो अप टू सम लेवल वो इंटरनल थिंग है तो जिसे कोई रोक नहीं सकता है और अनफॉर्चुनेटली वाटरप्रूफ मेकअप होना इज़ ओके, बट कोई भी मेकअप्स जल्दी से स्वेट प्रूफ नहीं होते हैं। मोस्टली जो भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में तो ये वाटरप्रूफ है बट स्वेट प्रूफ नहीं होते हैं, तो ये हमारा मिसकंसेप्शन दूर होना ज़रूरी है। वेल एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हम इस तरह की रेमिडीज़ के बारे में बात करेंगे यानी कि इस तरह की चीज़ों पर फोकस करेंगे कि जिनसे पसीना कम आए या उसे कंट्रोल में रखा जाए। सो सबसे पहला कि टेम्परेचर नॉर्मल होना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर कोई बाहर से आया है, बहुत ज़्यादा धूप में से आया है या बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो मेक द पर्सन काम, कूल, रिलैक्स, और तब तक ऐसा अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो या आप खुद का मेकअप और हेयर भी कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो विद हेयर का कुछ प्रिपरेशन या ऐसा कुछ जिससे कि क्या होगा बॉडी एक बार नॉर्मल यानी कि थोड़ा कूल काम हुआ, एक सेट हुआ टेम्परेचर और फिर चालू करना एकदम ईजी होगा। ऐसा करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हल्का सा अगर कोल्ड वाटर वो हम स्प्लैश करेंगे फेस पे जिससे कि थोड़ा हमारे जो पोर्स वगैरह है वो रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ पे ऑल्सो आइस का भी यूज़ कर सकते हो, हम हल्का सा आइस लेंगे, आइस को रब करेंगे फेस पे, रब करने के बाद अगेन आपको वाटर स्प्लैश करना है, सिर्फ टॉवल से आपको डैप करना है एंड देन आप स्टार्ट कर सकते हो। नंबर टू, कभी कभी ऐसे होता है कि हम क्या प्रेप करें, तो यहाँ पे बेस्ट आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो एंड देन स्टार्ट योर मेकअप। तीसरा कि अगर हम पसीना कंट्रोल करना चाहते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप आपका जो भी ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है तो उसको आप एक बार पूरे फेस पे दे दो। इससे होगा क्या कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं उनमें से स्वेट तो बाहर आने ही वाला है बट जब हम पाउडर करते हैं तो वहाँ पे क्लॉगिंग हो जाता है, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा एक प्रोसीजर डेवलप हो जाएगा कि जिससे जो वो प्रोसेस है उसका वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो जो पसीना जैसे हम बोल सकते हैं कि 2-2.5 घंटे में आने वाला है तो उसकी जगह पे वो थोड़ा और डिले हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो क्राइलॉन कंपनी में एक एंटी शाइन पाउडर आता है। दिस पाउडर कम्स इन काइंड ऑफ वाइट कलर बट वो कोई भी उसका वाइटनेस नहीं छोड़ेगा। ये पाउडर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स है कि जो आपका जो स्वेट है
उनको लंबे आवर्स तक टिकाएगा या इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप ज़रूर से इस एंटी शाइन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। फोर्थ वन, हम बेस जो लगाएंगे वो हम थोड़ा लेस टू मीडियम लगाएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा बेस लगाएंगे, और ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा है क्योंकि कब कब क्या होता है, कोई सिचुएशंस में क्लाइंट आके हमें बताते हैं कि हमें पसीने का बहुत प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, अगर तो स्टार्ट फ्रॉम लेस टू मीडियम बेस एंड डू नॉट प्रिफर अ वेरी हैवी और अ केकी बेस। फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, यूज़ गुड अमाउंट ऑफ पाउडर। पाउडर यूज़ करते समय या कॉम्पैक्ट या कोई भी फॉर्म ऑफ लूज पाउडर भी बेटर है या कॉम्पैक्ट भी चलेगा, बट मेक श्योर कि आप बहुत प्रॉपर क्वांटिटी में लगाओ, क्योंकि पाउडर ही ऐसी चीज़ है कि जो आपके फेस के ऑयल्स या जो हमारा पसीना है उसको हल्का सा कंट्रोल में रख सकता है। और ये हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि नॉर्मली भी अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो तो भी नॉर्मली जब लोग रेडी होते हैं तो यू मस्ट हैव सीन पीपल यूज टेल्कम पाउडर। वाई हम डेली बेस पे टेल्कम पाउडर लगाते हैं? ताकि हमारा जो बॉडी का स्वेट है वो कंट्रोल में रहे। तो इसी तरह मेकअप में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाउडर का एप्लीकेशन। सो यहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को माइंड में ये लगेगा कि नहीं, इन दिनों तो क्लाइंट्स बिल्कुल प्रेफर नहीं करते कि पाउडरी लुक दो या हैवी पाउडर का एप्लीकेशन करो, बट ये इसलिए नहीं होता है, स्पेशली समर सीजन है या इस तरह का एक्सट्रीम ऑयली स्किन पे जब आप वर्क कर रहे हो या पसीने का प्रॉब्लम है, तो येस पाउडर हेल्प्स यू अ लॉट। और उस पाउडर को कैसे आप जो बोलते हैं ना कि किस तरह से कितना रिक्वायर्ड है और उसको कैसे हम एडजस्ट करें फेस पे, दैट इज़ हाउ योर मेकअप आर्टिस्ट्री वर्क्स। सिक्स्थ थिंग, और ये है यूज़ ऑफ फिक्सिंग स्प्रे। जब भी आप मेकअप कर रहे हो और आपको पसीने का प्रॉब्लम वगैरह है, तो उसके लिए आपके पास ज़रूरी स्टेप होता है यूजिंग द फिक्सर इन द राइट अमाउंट। फिक्सिंग स्प्रेज जो होते हैं या जो भी मेकअप स्प्रेज होते हैं, इन सब में एक मेन इंग्रेडिएंट होता है अल्कोहल। अल्कोहल जो इंग्रेडिएंट है उसका नेचर या उसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि ड्राई करना या अच्छे से मेकअप को आपके स्किन के साथ चिपका देना, और चिपकाने के साथ साथ वहाँ पे वो ड्राई करके एक लेयर सा डेवलप कर देता है। सो यूजिंग फिक्सर इन द राइट क्वांटिटी एंड इन द राइट अमाउंट, ये भी बहुत ज़रूरी होता है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट से बचाने के लिए। लास्टली टू मेंशन टीयर्स, हमारी आंखें यूजुअली वाटरिंग होती है। अभी जब हम ब्राइड्स या क्लाइंट्स या मेकअप के बारे में बात करें, तो जब हम लेंसेज पहनाते हैं तो उसकी वजह से पानी आता है, या जब काजल का वगैरह एप्लीकेशन होता है तो इन सब रीजंस की वजह से आंखों में से पानी आता है। बट अगर उसको क्लीन करके आप स्टार्ट करते हो मेकअप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मेकअप का बेस हो जाने के बाद ये पानी आता है। तो अगेन ये पानी भी अगर डिटेल में स्टडी किया जाए तो ये भी एक तरह का सलाइन वाटर होता है, यानी कि एक तरह का नमकीन पानी है। तो बिकॉज ऑफ सेम जो स्वेट में हो रहा था, सेम यहाँ पे भी होता है कि बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एंड वो सब, तो वहाँ पे मेकअप आपका टिकता नहीं है। तो अगर आप बेस बना लिया है अपने और अगर आपको आंखों में से पानी आ रहा है, तो आप उसको हल्का सा क्लीन करोगे एंड देन वहाँ पे अच्छे से पाउडर डैप करोगे, एंड दैट इज़ हाउ आप उस मेकअप को बचा सकते हो। बट अगर हम टेक्निकली यहाँ पे बात करें, तो जिस तरह कोई भी मेकअप स्वेट प्रूफ नहीं होता है, उसी तरह मेकअप टीयर प्रूफ भी नहीं होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो, यूज़फुल लगते हो, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल और एजुकेशनल लगते हो, तो नॉलेज बांटने से बढ़ता है, और ज़रूर से इस नॉलेज का फ़ायदा जैसे अभी आप ले रहे हो, तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स या आपके सोशल सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। हमारे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, ताकि हमें पता चले कि किस तरह से आपको पसंद आया या नहीं आया। थम्स अप यानी कि लाइक बटन है, तो आप ज़रूर अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा। सो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारी चैनल को।